हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वह 20 दिन में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं की है तो आप 15 से 20 दिनों में कैसे बोर्ड परीक्षा की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, इस बार आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तब आप इस वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इतना गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 15 से 20 दिनों में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला आपको जो काम करना है वो यह करना है कि टेंशन नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बोर्ड परीक्षा का टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे जो है कि बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम आ गया है और हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे परीक्षा देंगे, फेल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वह प्रेशर ले लेते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से रहना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर ले लेंगे तो जितने भी अभी आपके पास दिन बचे हुए हैं, 15 दिन 20 दिन 25 दिन, उसमें भी आप एक अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे, सारा दिमाग उसी पर लगा रहेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको कैसे पढ़ाई करनी है, चलिए हम बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन बैंक उठाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक उठाना है और क्वेश्चन बैंक में से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन बैंक में लिखा रहता है, और यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या करिए कि अपनी बुक में से उन चैप्टर को ट्रैक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी चैप्टर को आप ट्रैक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी बुक में कुल 20 चैप्टर थे और इसमें से मान लीजिए कि 13 चैप्टर ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल इससे जो है कि क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले आप इन्हीं 13 चैप्टर को तैयार करिए, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 या 25 दिन का समय है। तो आप क्या करिए कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बस उसी को पढ़िए। उसके बाद अगर यह तैयार हो जाता है तो अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तब आप यह जो आपके 7 चैप्टर बचे हैं उसमें से भी आप 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या करिए कि सबसे पहले जो है कि आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़िए। उसके बाद आपको क्या करना है कि मॉडल पेपर, जी हाँ दोस्तों, आपको मॉडल पेपर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो मॉडल पेपर होता है यह बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जो मॉडल पेपर बनता है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है, और जब आप मॉडल पेपर लगाते हैं तो आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको आंसर देना है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता चलता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जितने भी अभी आपके पास 10-15 दिन 20 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर को लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि डेली 12 से 15 घंटे की पढ़ाई करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको डेली जो है 12 से 15 घंटे पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके पास उतना ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है कि आप एक दिन में 5 घंटे 6 घंटे पढ़कर के काम चला लेंगे, मुश्किल से 1 महीने या 10-15 दिन 20 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो इसलिए आप जो है कि पढ़ाई करने का जो हावर है उसको बढ़ा दीजिए, आप एक दिन में 12 घंटे या 15 घंटे की पढ़ाई करिए, क्योंकि यह जो आपके नंबर होते हैं 10 और 12 के, यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप जो है कि इस समय मोबाइल वगैरह छोड़ दीजिए चलाना, 15 से 20 दिन आप जी जान लगा करके 12-15 घंटे की पढ़ाई करिए। उसके बाद जो आपको करना है वह यह करना है कि डेली रिविजन, जी हाँ दोस्तों, आप जो कुछ भी पढ़ें आप उसका डेली रिवीजन करिए। बहुत ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं कि वह
युवा चीजों को तो रोज तैयार करते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब वह परीक्षा देने जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो वहां पर जब उत्तर लिखने जाते हैं तो उनको उत्तर याद ही नहीं आता। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो कुछ भी आप पढ़ें उसका आप डेली रिविजन करिए। आज आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा और दूसरे दिन जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ने जाएं तो सबसे पहला काम आपका यही है कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप पहले चैप्टर का रिविजन करिए, उसके बाद जो है कि दूसरा चैप्टर याद करना स्टार्ट करिए। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को आपको फॉलो करना है, इन सभी चीजों को आपको इसी तरह से पढ़ना है। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं 15 दिन 20 दिन 25 दिन, तो आप एक बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।